बस कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड हैरी और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन, अच्छे से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ये है दोस्तों कि वो इंसान जो आपकी हकीकत में आपकी केयर करता हो, जेन्युइनली केयर करता हो आपकी, उस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ से कभी ना जाने दें, ना उसको कभी अच्छा या भला बुरा कहें, चाहे आप अच्छे मूड में हो चाहे आप खराब मूड में हो, क्योंकि वो व्यक्ति ही आपको आपकी गलतियां और आपको सहानुभूति देता है जब आप उस टाइम बहुत अकेले पड़ जाते हो। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में बनाए रखें। ऐसे इंसान को कभी मत खोएं जो आपको ये बताए कि आप इस दुनिया में लकीस्ट इंसान हो, आप हर मुसीबत से लड़ सकते हो, आप हर उस सिचुएशन से निकल सकते हो, आपको सहानुभूति देता रहे। ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ से कभी मत जाने दें, चाहे उसके लिए आपको किसी भी चीज़ को छोड़नी पड़े या किसी भी चीज़ को आपकी लाइफ से उसके निकालनी पड़े तो आप बेझिझक निकाल दीजिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप अपनी लाइफ से कभी ना निकालें। अगर ऐसे व्यक्ति से कभी गलती हो भी जाए और उस गलती का उसे एहसास हो जाए कि ये मैंने गलत किया आपके साथ, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा आप अपनी लाइफ में बनाए रखें, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी आप पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा, पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश नहीं रचेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाइफ से कभी ना जाने दें जो आपकी मुस्कान का कारण हो और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान चाहता हो, और ऐसी मुस्कान पाने के लिए वो इंसान चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, वो आपके चेहरे पे स्माइल लाकर छोड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप अपनी लाइफ से ना जाने दें। ऐसा व्यक्ति प्रोत्साहन देता रहता है, आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, आपको राय देता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे भले बुरे का ज्ञान देता हो, आपको बताता रहे कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम बुरा है, या हमें ऐसे करना चाहिए तो हम अपने फ्यूचर को कैसे मैच्योर कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकते हैं। और ऐसे ही लोग हमें ये भी बताते हैं कि हमें किन किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, किन किन मुसीबतों में कैसे अपने को उन मुसीबतों से निपटना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत खास करके ध्यान रखना चाहिए अपने को कि ऐसे व्यक्ति हमारी लाइफ से कभी ना जाए। ऐसा व्यक्ति जो आपकी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझता हो, आपको समाज के सामने कभी बेइज्जत ना होने दे, समाज के सामने आपकी इज्जत करे और दिल से भी इज्जत करे, ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में हमेशा बनाए रखें, और ऐसे लोगों से ही समाज में हम जैसे लोगों का या मान लो किसी भी इंसान का वह इज्जत करता रहे, और दूसरों को यही लगना चाहिए कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं, या ऐसे व्यक्तियों का हमें भी साथ होना चाहिए। लास्ट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने भी आपके हों और आपके पीठ पीछे भी आपके हों और आपकी इज्जत हमेशा करते हों, चाहे आप उनके सामने हों चाहे ना हों, दूसरों के सामने आपकी इज्जत करे, आपका कभी अनादर ना करे, और जब भी आपसे मिले तो ऐसे मिले कि जैसे कभी बिछड़े ना हो या कभी हमेशा साथ में रहते हो, कभी कभार मिलते हो तो भी। तो हर इंसान का, वैसे तो हर इंसान की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें नीचा दिखाने के लिए दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती करते रहते हैं या हमें कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे कि हमारी महत्वपूर्णता जो है वो कम होती रहे। तो ऐसे इंसानों से बच के रहिए और उन्हीं इंसानों के साथ रहें, उन्हीं व्यक्तियों के साथ आप मेलजोल बढ़ाएं जो व्यक्ति दिल के साफ हो, चाहे उनका रंग कैसा भी हो। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लेके आ सकूं। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमी है, तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और भी लेके आएँ। तो थैंक यू दोस्तों।